Assalamualaikum and welcome to another vlog. और आज का vlog कुछ ये है कि vlog तो हो चुका है पुराना, लेकिन डालने का मौका नहीं हो रहा था क्योंकि editing नहीं कर पा रही थी मैं, तो आज edit किया तो सोचा कि आप लोग को लाजमी हम share करेंगे कि इज़ा के क्या क्या gifts आए, कितनी excitement थी इज़ा को और सारे बच्चों को और बड़ों को भी। तो सारों ने खूब मजे किए, गिफ्ट खोले और बहुत सारी तफरी की। तो चलिए देखते हैं, इज़ा तो अभी लगी हुई है नाना के साथ, गिफ्ट्स खोल चुके हैं, तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं कि गिफ्ट्स मिले क्या क्या। तो भाई इज़ा का जो है ये गिफ्ट मामू ने दिया है माशाल्लाह से, उसको वार्डरोब मामू ने दी है, ये वुडन वार्डरोब। तो इज़ा की तो आ गई बड़े काम की चीज़ है, इज़ा को बड़े मजे आ रहे हैं इसमें। वो कीज निकालती रहती है इसकी और बस यही करती रहती है, कीज निकालती है और फेंकती है। तो अब देखते हैं पप्पू का गिफ्ट। डब्बा नहीं टूटना चाहिए बस। हाँ, उसको भी खोलते रहेंगे। ये तो कार है भाई, बाहर निकालो। इधर की गाड़ी आ गई भाई। वाह भाई वाह, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और इज़ा की पप्पू लाई हैं इज़ा के लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह से। सारे बच्चे खोलने में लगे पड़े हैं कि बस जल्दी से खुल जाए, ये रेडी हो जाए और देखें है क्या, बनेगी कैसी। तो ये रेडी हो चुकी है और ये कुछ इस तरीके से है माशाल्लाह से, प्यारी सी गाड़ी जो कि इज़ा की फूफो ने दी और इज़ा बहुत मजे करने वाली है। तो इज़ा का पहला गिफ्ट खुल चुका है और ये बहुत ही प्यारा सा घर है बारबी का, हुनैना की तरफ से है ये। ये इन्होंने लिखा हुआ भी बड़ा प्यारा था, टू माई लिटल बेबी फ्रॉम हुनैना खाला एंड माज मामू। वाह भाई जज़ाक अल्लाह, इज़ा आपके लिए ये चीज। चलो भाई नेक्स्ट, कासिम। ये कासिम और कुलसुम ने दिया है भाई। अब नेक्स्ट दिखाओ, आंटी ने दिए ब्लॉग्स, ये आंटी ने दिया है, आंटी ने दिए और ये हमारी आंटी ने दिए हैं ब्लॉग्स। ये है प्यारा सा झूला जो कि इज़ा बहुत एंजॉय करती है बैठ के, पहले तो डर रही थी बैठते हुए लेकिन बाद में बहुत एंजॉय कर रही थी। आपने मे भी वीडियो में जरूर देखा होगा शॉर्ट में, अगर नहीं देखा तो शॉर्ट्स जाके चेकआउट कर सकते हैं कि इज़ा कितना एंजॉय करती है इस झूले पे बैठ के। बड़ा मजा आता है इज़ा को इस झूले पे बैठ के और बड़े मजे से खाने खाती है। तो ये एक और गिफ्ट है जो कि है इज़ा की नानी यानी कि मेरी पप्पो की तरफ से और शाजी की ताई की तरफ से, फौजिया नानी। तो ये है एक विंटर का ड्रेस जो कि अभी तो एग्जैक्टली नहीं है, जब विंटर्स आ जाएंगी तो फिर ये इज़ा यूज करेगी इंशाल्लाह। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट बॉक्स खोलते हैं, इस बॉक्स में क्या है। ये बॉक्स है, आप नाम पढ़ लेंगे, मिस्टर एंड मिसेस नौशाद यानी कि जिया खाला की तरफ से, नहीं लाला की तरफ से, लाला है वो, जिया खाला नहीं है। तो ये लाला लेकर आई इनकी और लालू लेकर आए, लाला लालू की तरफ से है। इज़ा का फेवरेट किचन सेट जो कि इज़ा हर वक्त खाने बनाती रहती है, तो इज़ा का फाइनली किचन सेट आ चुका है और अर्शी को बहुत एक्साइटमेंट थी खोलने की और खेलने की, तो लेकिन हमने उनको खोलने नहीं दिया तो अर्शी ने वापस बंद करके इसको रख दिया है। तो बाद में खोल के भी देखेंगे और इज़ा को भी दिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या है, हमने भी अब तक खोल के नहीं देखा कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, लेकिन इसकी पिक्चर में तो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मजे का लग रहा है। मुझे बड़े पसंद थे किचन सेट बचपन में, आप लोगों ने भी जरूर खेला होगा किचन सेट से, तो और लड़के भी लग जाते हैं और लड़कियां भी लग जाती हैं, दोनों ही लग जाते हैं। ये इज़ा की बड़ी नानी ने दिया है यानी कि मेरी खाला ने, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसका जो रैपिंग शीट है वो तो बहुत प्यारी सी है, पर ये ऐशा ने बड़ी बेदर्दी से इनको फाड़ फाड़ के हशर कर दिया। मतलब यार मुझे इतना बुरा लगता है, लोग इतने प्यार से गिफ्ट पैक करके इतने प्यार से लेकर आते हैं तो उनको ऐसे फाड़ना ही चाहिए, आराम से शीट उतार के रख दो, यूज हो सकती है कहीं ना कहीं, उनको रिसाइकिल कर सकते हैं हम। वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी सी डॉल है ये, एंजल गर्ल, एंजल गर्ल है भाई। अब देखते हैं कि खुलने के बाद ये कैसी है, बहुत क्यूट सी है ये।
तो इज्जत बैठी हुई है अपनी पप्पो की दी हुई गाड़ी पे और एंजॉय कर रही है, और आंटी भी बैठी हुई है हमारी। तो ये अशर जो है इसका ऑपरेशन करने में लगे पड़े हैं कि इसके अंदर कितने सेल डलेंगे और ये कहाँ कहाँ लगेंगी और किस तरीके से ये ज्वाइन होगी, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स अलग अलग हैं और पता नहीं है कि ये कैसे ज्वाइन होगी और किस तरीके से ये ओपन होगी। लो भाई, तो अशर ने बोला ये बाद में करेंगे और उनको एक्साइटमेंट थी कि और गिफ्ट्स लेकर आओ, जल्दी जल्दी खोलें कि और गिफ्ट्स में क्या है। ये इज़ा की तरफ, रिजा की तरफ से, इज़ा और रिजा इतना मिलता जुलता कि मैं इज़ा को कभी कभी रिजा ही बोलती हूँ और रिजा को बोलने की मुझे बहुत आदत थी। तो बहुत क्यूट सा बियर, आई लव बियर्स, और कलर भी इसका बहुत प्यारा पीच कलर है। और ये है मिस्टर एंड मिसेस उसामा की तरफ से, जिनकी हमने आपको वेडिंग जो वीडियोस थी वो भी शेयर की थी, पूरी वेडिंग वीडियोस वगैरह सब शेयर की थी। तो ये उनकी तरफ से आए, देखते हैं क्या है। लग तो कुछ मजे का रहा है, शीट भी बड़ी प्यारी सी है, पिंक कलर की शीट है। तो अक्षर इसको खोलने खालने में लगे पड़े। तो भाई जब गिफ्ट्स आते हैं ना तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बच्चों को तो होती ही होती है लेकिन बड़ों को भी बड़ी होती है, भाई किस किस ने क्या क्या दिया, चलो चलो खोल के देखें। हम लोगों को तो बचपन में बड़ी होती थी कि किस किस ने क्या क्या गिफ्ट दिए, चलो भाई। पूरी बर्थडे में सबसे ज्यादा इंतजार इसी बात का होता था कि किसने क्या गिफ्ट दिया होगा, चलो भाई खोलो 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 खोलो। और एंड में जब ये वाला पार्ट आता था तो बड़े खुश होते थे और सारे बच्चे ऐसे एक्साइटमेंट में बैठे होते थे गोल दायरा बना के, बेशक किसी की भी बर्थडे हो लेकिन एक्साइटमेंट सब बच्चों को होती थी। तो आप लोगों के बचपन में भी ऐसे ही कुछ होता होगा, जो आप लोगों के बचपन में होता था कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये है, वाओ डॉल हाउस है ये, क्यूट सा डॉल हाउस, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। तो इसे अभी तो इसे नहीं खेल रही है इसलिए कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो अभी मैं उठा के रख दूंगी और थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, इनके 1.5 और 2 इयर्स की हो जाए तो फिर मैं इसको लाजमी दूंगी, क्योंकि अभी तो ये सब चीजें फेंक देगी। और ये किसका गिफ्ट है, पता नहीं किसका गिफ्ट है, ये दिखाया ही नहीं नाम। हाँ ये है अब्दुल आहद की तरफ से, ओ इज़ा के बर्थडे पार्टनर, बर्थडे मंथ पार्टनर भी हैं, बर्थडे पार्टनर भी हैं, साथ साथ के हैं दोनों। तो अब्दुल आहद की माशाल्लाह से बर्थडे आने वाली है, तो अब्दुल आहद एडवांस में हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं अब्दुल आहद ने जरूर क्या दिया है, क्यूट सा गिफ्ट, छोटा सा ब्लॉक्स का पैकेट, वाओ। ब्लॉक्स भी बड़े मजे के होते हैं यार, कुछ भी इनसे बनाओ मजे, बहुत मजा आता है ब्लॉक्स से खेलने में ना। तो ये इज़ा अपना बेयर लेके बैठ गई है, इज़ा एक एक चीज करके जो इज़ा को पसंद आ रही है ना वो सब चीजें ले लेके बैठती जा रही है। और अशर तो एक एक चीज खोल रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। ये है मौजम अली, यानी कि मेरी पप्पो की तरफ से, तो देखते हैं क्या है। ये राउंड राउंड टाइप कुछ है, तो देखते हैं क्या चीज है ये। सब गिफ्ट्स में भाई डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकली हैं, तो इज़ा बहुत एक्साइटेड है इन सब चीजों को लेके। अभी तो उसको इतना कुछ पता नहीं है, बस उसको ये है कि कलरफुल है ये वो, अब खेलेगी तो पता चलेगा थोड़ा सा। और वैसे अभी इज़ा खेलती नहीं है टॉयज से, लेकिन अब देखते हैं कि इज़ा कौन से टॉयज ज्यादा पसंद आते हैं। ओ वाओ ड्रम है ये तो भाई, चलो ड्रम भी आ गया इज़ा का, अब इज़ा ड्रम बजाएगी, मजा आएगा। इज़ा खूब हंस रही है माशाल्लाह से, इज़ा खूब इंजॉय कर रही है गिफ्ट ओपनिंग को। क्यूट सा है ये, इसके ऊपर बनी हुई है डोरा और बार्बी भी। और ये हैं बहुत सारे इज़ा के कपड़े, ड्रेसेस आए हैं, ये इज़ा की नानो लेकर आई हैं, मेरी मम्मा, इज़ा की नानी, मम्मा बोलती है वैसे तो इज़ा मेरी मम्मा को, क्योंकि मैं मम्मा बोलती हूँ तो वो भी मम्मा ही बोलती है। तो और मम्मा ने लिया है इज़ा, और ये आए है एक शॉपर हमारे पास, ये किसकी तरफ से है, ये शाहजी की पुप्पो की तरफ से, यानी कि इज़ा की दादी, शाहजी की बड़ी पुप्पो की तरफ से। ये है प्यारी सी फ्रॉक्स जो कि इज़ा को अभी थोड़ी बड़ी है तो इज़ा थोड़े दिन बाद पहनेगी, तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्यूट सी है, पर्पल और पिंक कलर की और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, और एक और है ब्लैक और पीच पिंक कलर की। तो क्यूट सी फ्रॉक्स है ये माशाल्लाह से। और कुछ जो है वो एनवलप है, ये हम सारा और मैं बाद में सीखेंगे, सारा और मैं बाद में। तो
उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अब से बहुत सारे जमा हो गए हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और इजा है अपने गिफ्ट्स को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मजे कर रही हैं। सारे गिफ्ट्स जो समझ में आ रहा है उनको वो उठा रही हैं और खेल रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब इजा को अपनी दुआ में याद रखें। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता है, एक कमेंट लिखना होता है, एक सेकंड भी नहीं लगता। तो जाके जल्दी से कमेंट्स करें, लाइक करें और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।